पूरा सिम तोड़ दिया है। अभी ये ना यहाँ पे कुछ मसला हुआ, ये ख़राब हुआ है ये एक चीज़ ना, अभी इसको ठीक करेंगे। ये बंद हो जाए यार, मसला होता है ये तो, ऐसा अगर छोड़ेंगे तो मुखालफा आता है भाई। स्क्रीन्स लगी हुई है जिनको देखकर ना बंदा कहता है कि यार इमेजिनरी है, कोई गाड़ी वाड़ी में लगा ले, ये वाली बड़ी मज़ेदार नज़र आ रही है ये, मतलब बहुत ह्यूज है। और वो निशान पर अच्छा आ गए, इधर जो है ये चटनी आएगी, दही और चटनी, यहाँ से अभी चना आएगा जी भाई। देखिए रसमलाई आ गई, ये फलूदार है ठीक है, ये फलूदा जो है ना अभी क्रंची साइड ला रहे, समोसे चाट का क्रंची साइड, ऊपर से ये सैलेड वैलेड जो है ना वो और ज़्यादा। तो हेलो जी, वेलकम बैक हो गया आप सबका अनदर वीडियो के अंदर। उम्मीद आप सारी खैरियत से होंगे भाई, मैं भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मज़े में भाई। फिलहाल मुसफ़ा पहुँच चुके हैं, और मुसफ़ा इसलिए आए हैं फिलहाल, जो आप ये जगह देख रहे हैं आपको पता ही चल ही गया होगा कि भाई यहाँ पर है हमारी गाड़ी के भाई एक काम, पीछे डिग्गी जो है वो ख़राब हो गई थी, तो अभी उसको जो है वो ठीक करने बंद नहीं हो रही थी, तो खुली डिग्गी पर जो है वो अबू धाबी से मुसफ़ा है, तो आप यहाँ पर इसको ठीक करेंगे, आपको वो सारा सीन भी दिखाएंगे फिलहाल। और उसके बाद जो है जाएंगे भाई मुसफ़ा में, एक ऐसी जगह आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ जहाँ का भाई ये वक्त तो शाम का, और बंदा जाए और मज़ेदार से मीठे मीठे और मीठे मीठे खाने होते हैं, और उसी के साथ साथ जो है वहाँ का जो चाट है समोसा चाट भाई अलग ही लेवल है, और मैं तकरीबन 2-3 बार खा चुका हूँ, लेकिन जब भी वहाँ से गुजरता हूँ दिल यही करता है कि यहाँ से एक बार वो चाट ज़रूर ले ले, और मतलब अगर खाया भी हो भरे पेट से, ये भाई जो है ना वो तमन्ना रहती है कि भाई वहाँ से चाट जो है वो हो जाए, और उसके साथ साथ वहाँ के फालूदा वो भी आला है और रसगुल्ले भाई सब कुछ जो है ना वो मज़ेदार है। तो आज आपको वहाँ की सैर कराएंगे, लेकिन फ़िलहाल मुसफ़ा में एक छोटा सा काम है, इसको करने के बाद शायद सर्विस में गाड़ी कर ले, तो इन चीज़ों को करने के बाद जो है वो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर वहाँ पर, और वहाँ पर जाएंगे और जो भी सीन होंगे आपके साथ आज का दिन शेयर करेंगे। इसके अलावा आप सबको पता था कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी जो कि हमने अभी जो है वो हटा दी, क्योंकि वो नहीं जचती थी, मतलब कि ये स्टेयरिंग अगर यहाँ से हम देखते थे ना तो वो स्टेयरिंग के पीछे आ जाती थी, तो वो बड़ी थी गाड़ी उस पर छोटी थी, तो औकात से बाहर वाली बात थी उस दिन भी मैंने कहा था, तो उसको जो है ना वो अभी हटा दी है, और वो जिस चीज़ में लगाई है वो भी आपको देख भाई। अभी इधर जो है ये बंदे जो है ना डिग्गी को अभी ठीक कर देंगे, देखते भाई क्या होता है। भाई पूरा सिम तोड़ दिया है, अभी ये ना यहाँ पे कुछ मसला हुआ, ये ख़राब हुआ है ये एक चीज़ ना, अभी इसको ठीक करेंगे। ये बंद हो जाए यार, मसला होता है ये तो, ऐसा अगर छोड़ेंगे तो मुखालफा आता है भाई। चलो भाई ये स्पेयरिंग तो चेंज हो गया भाई, आधे घंटे से ज़्यादा लगा दिए इस पर, ठीक है भाई अभी ठीक हो गया। हाँ शुक्र है, टाइम पे चेक करा लिया, ये खुद से बंद कर रहा था बार बार, मैंने कहा मैं करता हूँ, तो ये फिर से वही सीन जो है ना वो हो रहा है, सही से बंद नहीं हो रहा, मतलब जो इजीली क्या होता है वो नहीं हो रहा बंद, तो मैंने कहा भाई सही से बंद कर रहे हैं यार, जैसे नीचे आके बंद हो जाए ये, तो वही फिर इसी वजह से तो ये ख़राब हुआ था पिछला वाला। स्क्रीन वाले शॉप आए हैं यहाँ पर, देखे भाई ये स्क्रीन चेक करिए, लैंड क्रूज़र और निसान पेट्रोल की स्क्रीन वगैरह, यहाँ पर ये मसला यार ये इशारे नहीं लगा रहा, जब से हमने स्क्रीन निकाल कर वापस अपनी डलवाया था तो ये इशारा काम नहीं कर रहा, और अंदर की कुछ लाइट्स हैं वो भी काम नहीं कर रही, तो ये ठीक करके निकलते हैं यार। अभी एक ना फिर से ये देखें ना, यहाँ पे आपको एक स्पेयरिंग नज़र आएगा, ये वाला अभी निकल चुका है वापस डिग्गी से, और ये बंदा पहले डिग्गी बंद कर रहा था, मुझे नहीं कर रहा खुद से बंद कर रहा था, और जब मैंने डिग्गी खोली खुद से बंद कर रहा था तो नहीं बंद हो रही थी, तो फिर इस चीज़ को बाहर पूरा निकाले तो फिर से उन्होंने डिग्गी आराम से बंद हुई है, अभी वापस इधर आए तो ये फिर से जाना पड़ेगा यार, मतलब यार ये डिसअपॉइंटमेंट वाला काम है यार, काम कर रहे सही तो पूरा कर लो ना। अब ये क्या किया हुआ यार, क्या किया हुआ यार, फायदा यार इधर बड़ी मज़े की स्क्रीन्स लगी हुई है जिनको देखकर ना बंदा कहता है यार इमेजिनरी है, कोई गाड़ी वाड़ी में लगा ले, ये वाली बड़ी मज़ेदार नज़र आ रही है ये, मतलब बहुत ह्यूज है। और वो निशान पेट्रोल वाले, हमने जो गाड़ी में लगवाई थी ना वो ये वाली स्क्रीन है, ये डायमंड 2K ये ड्यूअल कंसोल, ये वाली हम लोगों ने लगाई थी अपनी गाड़ी में, ये भी देखे आराम से बंद हो गई।
चलो सही है जी भाई। देखे अपने मंजिल मकसूद पहुंच चुके हैं, ये मतआम मोहम्मद मुनीर और मुनीर होटल जो कि बड़ा फेमस है और यहाँ का मीठा बहुत फेमस है। तो उस साइड में जो है ना वो खाने का सीन है, इस साइड में मीठे का सीन है। तो हम मीठे के सीन पे जाएंगे, खाने का भी टाइम है लेकिन मीठे के सीन पे जाएंगे। ये देखे भाई एंट्रेंस चेक करें, माशा अल्लाह। देखे भाई आते लड्डू शड्डू आ गए। ये देखे भाई पूरा मेन्यू, देखते हैं क्या लेते हैं। समोसा चाट तो एक डन हो गया, ये अगली साइड पर चेक करते हैं। ये इधर मेरे हिसाब से एक जो है ना ये होना चाहिए, खीर नहीं, ये रसमलाई, खीर नहीं रसमलाई, और उसके अलावा ये क्या है, रबड़ी। ये रबड़ी और रसमलाई दो, ये ठीक है। समोसा चाट और समोसा चाट, ये तीन फेमस है और काफ़ी अच्छे हैं ये तीन भाई। ये रसमलाई, एक गिलास रबड़ी और समोसा चाट। ये देखे भाई रसमलाई आ गई, ये फालूदा है ठीक है, ये फालूदा आ गया और अब जो है ना रसमलाई। तो ये देखे भाई हमारा फालूदा माशाल्लाह। ये अब जो है ये फलूदा हो गया ठीक है, रस मलाई हो गया और ये फलूदा हो गया। अब चाट बाकी है। हाँ जी अब आएगा चाट। यहाँ से समोसे आ गए, इधर जो है ये चटनी आएगी और चटनी। यहाँ से अभी चना आएगा जी भाई। देखिए चले भाई अब चक्कर देखते हैं। अभी जो है ना सबसे पहले रबड़ी को ट्राई करेंगे भाई। ये देखो भाई चेक करें, हेलो ये देखे भाई ये रबड़ी सब भाई माशाल्लाह चेक करते हैं इंशाल्लाह। फुल आला किस्म की रबड़ी देखा, चेक करें। ये देखिए इसमें अपना रस मलाई का कुछ सीन अभी डाला था, ये वो है देखिए भाई। और ये साथ में ये जो है ना ये रबड़ी ठीक है, उसको साइड में करते हैं। रस मलाई की तरफ आते हैं जिनमें हमें ये मज़ेदार से लड्डू मिलते हैं। और इनको ना बंदा यूँ साइड से एक को ना यूँ काट के आया है, ये एक आ गया लड्डू और साथ में ये बुने हुए बादाम पिस्ते जो इसमें डाले हुए इसके मिल्क में, तो वो के साथ में बहुत सारे जो है ना वो इसमें जो है वो फ्रूट्स डाले हुए। तो भाई इसमें ना माशाल्लाह हर चीज़ ना अलग ही लेवल की है और सही जो है ना अच्छा वाला फील और मज़ा दिला रही है। इसको अभी साइड पे करते हैं और उसके बाद जो मेन चीज़ के लिए आपको मैं लाया हूँ वो है समोसा चाट। हमने इस पे थोड़ा सा ना ये मसाला वगैरह डाला हुआ है। अब भाई ये समोसा चाट चेक करें, ये इसके ऊपर जो है ना सलाद वगैरह डाले हुए हैं और ये भाई इस पे दही और ये जो है ना इसको ये चेक करें, ये माशाल्लाह लेने वाला चेक करें भाई समोसे का। और इसमें जो है सैलेड वैलेड भी अपना आ गया इसमें ला। भाई बहुत ही मज़ेदार, मतलब हल्का सा स्पाइस और ना ज़्यादा मसाला, सारे हल्के हल्के मज़ा दिलाने वाले, ऐसे नहीं कि मसाला ख़राब कर दे बंदे को। फुल ऐसी वाली जो है ना वो समोसा चाट की फील है, तो इसलिए ये मेरा बहुत फेवरेट है ये समोसा चाट। देखे भाई ये जो है ना अभी क्रंची साइड ला रहे समोसे चाट का, क्रंची साइड ऊपर से ये सैलेड वैलेड जो है ना वो और ज़्यादा, और थोड़ा सा ना इसके साथ आलू भी ले लेते हैं। देखिए भाई माशाल्लाह से ही दबा कर दबाई वाला
भाई फुल लेवल वाला मज़ा आ रहा है, फुल लेवल वाला भाई। खाने का टाइम है लेकिन आप इसको लंच में भी खा सकते हैं, इतना मज़े का है। और ये एक बंदे की प्लेट है, तीन बंदों की नहीं एक की, तो एक की इतनी बड़ी प्लेट है देखें माशाल्लाह, ये सिर्फ एक बंदे की इतनी बड़ी प्लेट, और प्राइस भी इसकी काफ़ी अच्छी है। ये भाई साहब भाई हम लोग आ गए रस मलाई पे भाई साहब, ये मुझे मीठे का ना अलग ही शौक है। और ये बादाम पिस्ते जो पिसे हुए बादाम और पिस्ते ना इसमें, ओए होए 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 भाई, जितना भी ये खाओ बिल्कुल ऐसा फील नहीं कराएगा कि यार बहुत मीठा है और ख़राब हो, नहीं फुल नेचुरल वाली फील आ रही। कैसा लगा? सबसे अच्छा चाट है हाँ, और दूसरे नंबर पर रस मलाई। ओए होए रोफालू ने इनका बिल्कुल बिल्कुल यानी ज़ीरो है, ज़ीरो इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ कुल्फ़ी और रोफ़ज़ा वगैरह डाला हुआ है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। यानी ये क्या नाम है इसको, फालूदा, फालूदा इनका बिल्कुल बेकार, फालूदा ऐसी इस तरह फालूदा नहीं होता। देखिए भाई तला के रिव्यू आ गए, तो तला को तो ये और ये बड़ा अच्छा लगे, इस पर थोड़ा सा ना नज़रअंदाज़ है। तो भाई इसको ख़त्म करते हैं और आपके साथ मिलते हैं। और ये जब वन ऑफ द मोस्ट जो है ना अच्छी वाली चीज़ें थी वही हमने मंगवाई। तो भाई ये देखिए ये मुनीर होटल है, आने तो यहाँ पे आके समोसा चाट इन्जॉय करें, और खाने का भी टाइम है। मुनीर होटल का खाना भी अच्छा है और ये मीठा भी यही अच्छा है। तो उम्मीद आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। और अभी जो है फिलहाल घर जाएंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमा।